नमस्कार साथियों, आज बात करूंगा मैं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग रिजेक्शन इन द कंपनी। हमारी कंपनी में रिजेक्शन बढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी में रिजेक्शन बढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है, इसको आज हम बात करते हैं। इस टॉपिक पे डिटेल में समझेंगे। आइए साथियों देखते हैं। साथियों, ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं। अगर ये आप सर्विस लेना चाहते हैं तो सर्विस हमसे ले सकते हैं, जिसमें VTech, डिप्लोमा, ITI होल्डर्स जो अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस के दौरान अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। और जो सर्विस करते हैं मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इन टूलों की जरूरत पड़ती है उन्हें, तो ये टूल अटेंड कर सकते हैं। जैसे CVNQC टूल, ADD, SPC, MSA, PPAP, APQP, कंप्यूटर की, इस प्रकार की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये दिया हुआ नंबर से कॉन्टेक्ट करके ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। आई साथियों बात करता हूँ मैं साथियों में बात करता हुई रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑपरेटर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट। रिजेक्शन भरने की जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी है? आइए अब देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, टूल रूम, मेंटेनेंस। अगर आपको पता है इन चीजों के बारे में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए साथियों। वैसे मैं तो बताऊंगा ही किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बोलूंगा एक टीम वर्क है। टीम वर्क के साथ साथ जो काम करते हैं तो उस कंपनी में रिजेक्शन बहुत कम होती है। जहाँ टीम वर्क नहीं होता है वहाँ रिजेक्शन नहीं होती है। नंबर दो, एक्चुअल काम करना चाहिए, फर्जी काम नहीं करना चाहिए। जैसे SPC, PPAP, APQP, MSA जो एक्टिविटी करते हैं, हम एक्चुअल में एक्टिविटी करेंगे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो रिजेक्शन नहीं बढ़ेगी। आइए एक पिक्चर के द्वारा हम समझते हैं इसे। साथियों जैसे ये दिखा रखा है, एक पिक्चर है, इसमें समझने की कोशिश करिए। जैसे हम कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उस दौरान हम APQP पूरा एनालिसिस करते हैं, DFM ये बनाते हैं, डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस देखते हैं। उसके बावजूद भी हम जो भी प्रॉब्लम आने के, डिफेक्ट आने के पॉसिबल कॉजेज होते हैं वो हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम जब प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसका FMEA, DFMEA, QC प्रोसेस चार्ट, इसमें हम MSA, SPC सारे एक्टिविटी करते हैं। तो अब अभी फिर रिजेक्शन आती है तो क्यों आती है? हम एक्चुअल में नहीं करते इन चीज़ों को, जो PPAP और APQP करते हैं, और MSA और SPC और FMEA हम एक्चुअल नहीं करते हैं। अगर हम एक्चुअल करेंगे ना तो रिजेक्शन आएगी नहीं, मैं 100% कह सकता हूँ। अगर SPC आपने एक्चुअल की है, अगर उस हिसाब से चलाएंगे मशीन को आप, तो रिएक्शन नहीं आएगी। आपने जो कंट्रोल चार्ट में पैरामीटर दे रखे हैं, कंट्रोल चार्ट के हिसाब से अपना प्रोसेस चलाएंगे तो रिएक्शन नहीं बनेगी। तो कौन जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं, हमारी पूरी टीम जिम्मेदार है। हम मशीन को स्पीड दे रखी होती है, उसे हम कई गुना बढ़ा के चलाते हैं, उसको वैलिडेट नहीं करते हैं। तो हमें पहले स्पीड बढ़ाने से, जब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उसमें इंक्रीजिंग कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, बट उसको वैलिडेट तो करो। प्रोसेस वैलिडेट का ऑप्शन होता है, वो भी सब करते हैं। उसके बाद हम मास प्रोडक्शन बनाते हैं, उसके दौरान भी हम कंट्रोल चार्ट भरते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं, पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन करते हैं, फिर भी रिजेक्शन क्यों बनती है? ऑपरेटर भी चेक करता है, सुपरवाइजर भी चेक करता है, मैनेजर भी चेक करते हैं, इतने सारे सिस्टम, इतने सारे WI, इतने सारे प्रोसीडर्स सब कुछ बना रखे हैं, तो फिर भी रिजेक्शन क्यों बनती है? हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, हम जो कार्य करते हैं वो सिस्टमेटिक नहीं करते हैं। हम काम का तो करते हैं बट उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। SPC करते हैं कागजों में, MSA करते हैं कागजों में, PPAP करते हैं कागजों में, APQP करते हैं कागजों में, एक्चुअल कोई नहीं करता। अगर आप एक्चुअल करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रोडक्ट की जो समस्या क्या है, रिजेक्शन क्यों बढ़ रही है, उस समस्या को समझेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये जीरो डिफेक्ट्स हो सकती है। तो अब इससे सफर कौन करता है? जो हमारे मास प्रोडक्शन में रिजेक्शन बनती है तो इनकमिंग डिफेक्ट्स कहलाते हैं। अगर कस्टमर एंड में भी कुछ क्वालिटी चेकिंग पॉइंट लगे होंगे, वहाँ भी रिजेक्शन बनती है। उसके बावजूद भी यहाँ एंड यूजर तक रिजेक्शन पहुँच जाती है। अब एंड यूजर तक रिजेक्शन पहुँच जाती है, इन सब को मिला के लॉसेस रूप बनते हैं, तो कौन इससे सफर करता है? इसमें किसको लॉस होता है? कंपनी को, ठीक है, कंपनी को लॉस होता है, और अनहैप्पी स्टॉक होल्डर,
जो उसमें पैसे लगाते हैं, उसके स्टॉक होल्डर होते हैं, उन सब अनहैप्पी होते हैं, उनको लॉस होता है। तो हम सब हमारी एक लापरवाही की वजह से, हम सब टीम वर्क नहीं करते प्रॉपर, उसकी वजह से ये सारी रिएक्शन बढ़ती हैं। तो साथियों मैं यही कहूँगा, आप जो भी कार्य करें, जैसे APQP, PPAP, जो कोर टूल हैं, बेसिकली 5 कोर टूल हैं, 5 कोर टूल को आप इम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअल में, तो काफ़ी हद तक रिजेक्शन 0 लेवल तक ला सकते हैं। बट डिफेक्ट नहीं रोक सकते, तो मैं भी कह सकता हूँ डिफेक्ट 0 नहीं हो सकते, बट कम हो सकते हैं। ठीक है, अगर साथियों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर साथियों कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो ये सर्विसेज हैं मेरी, ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर सकते हैं, तो ये सारी सर्विस हैं, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में ISO IATF इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। तो ओके साथियों, थैंक यू।